एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालक श्री ज्ञान चंद चावला उन्हां ने अपना समुचा जीवन सच्चाई दे रस्ते ते चलदियां बिताया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां वाले अते संस्कारी इंसान सन, परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी हर एक धार्मिक काम विच वध चढ़ के हिस्सा लैंदे सन अते धार्मिक स्थानां लई वध तों वध योगदान दिया करदे सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन। कोई भी आप नूं गरीब अते दीन दुखिया मिलदा तां आप जी हमेशा ही उसदी दिल खोल के मदद करिया करदे सन। आप जी बहुत ही किरती सन अते चंगे संस्कारां वाले सन अते आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। आप जी दा समुचा परिवार मिठ बोलड़ा है, संस्कारी है, धर्म प्रति निष्ठावान है अते सब तो वड्डी गल ओ अपने पिता श्री ज्ञान चंद चावला हुणां दे कीते कम्मां ते चलण वाला परिवार है। श्री ज्ञान चंद चावला हुणां दी फुलवाड़ी मौजूदा समय विच चंगे संस्कारां नाल महक रही है। श्री ज्ञान चंद चावला उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों संगीत रिसोर्ट हिसार रोड अंबाला सिटी विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दी दर्शाई मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। शोक निवारण में उपस्थित बुजुर्गों माताओं देवी बंधुओं
आज हम सब दिवंगत आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, जिनका सांसारिक नाम ज्ञानचंद चावला जी था, उनकी शोक निवारण सभा को सकते। शास्त्रों में कहा है कि शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई भाई के बाजू होता है, भाइयों से पूछें उन्हें शोक है या नहीं। बेटे हैं राजू हैप्पी, बहुएं हैं गीता सोनिया, पोते पोतियां, विशेषकर बहन हमारे कमला देवी, किस किस का नाम है, वो सारे परिवार का थम है, बिरादरी का थम है, सब बिरादर। परिवार के अलावा सारे जितने आज बिरादर बैठे हैं, सबके सुख दुख में सबसे पहले जाते हैं, और किसी की भी कोई समस्या हो वो पहले अपने दांव पे लगा लेता था, फिर जाता था ज्ञानचंद चावला जी के पास। इतनी बड़ी मुश्किल हो आते जाए और उनसे बात करने के बाद एक मिनट में आदमी अपने बिल्कुल वो सबका मेरा काम हो गया। जो ज्ञान जी के पास आ गया, समस्या उसने सुना दी, उसी समय उसका मन हल्का हो जाता। कितनी भी आजकल विशेष तरह कोर्ट कचहरी में बड़े चक्कर चल रहे हैं लड़के लड़की के, चाहे वो लड़के वालों के बात तरफ जाए चाहे लड़की वालों तरफ जाते, समस्या का समाधान बाहर कर दो। दीन दुखियों की सेवा, समाज सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, सत्संग सेवा, सिमरण संयम, क्या क्या कहना। एक अलौकिक शक्ति थी उनमें, एक सहन शक्ति, बोलने का ढंग, छो करने के लिए बदले, जो उनके पास चला गया उसको तसल्ली हुई थी मेरा काम हो गया। धोनी ने के पिया द्वार पर आ गई, माताओं के जो धाम है, 25 वर्ष तक लगातार अनवरत वो परिवार के साथ
यात्रा पर जाते रहते थे। श्री वृंदावन धाम के प्रति वो बड़े समर्पित थे और सदैव समर्पित थे। अभी बताया कि वृंदावन की यात्रा पर थे तो उसी यात्रा के दौरान उनका देहावसान हुआ है। बहुत कम संयोग आता है ऐसा कभी कभी कि भक्त जो है वो भगवान को याद करता है, लेकिन इसमें से ध्यान में आता है कि भगवान भी जो है वो भक्त को याद करता है। तो पूज्य, क्योंकि वो आत्मा पूज्य हो गई है इसलिए उनको पूज्य कहा जा सकता है। 71 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने भगवान के चरणों में प्राण त्यागे हैं और ऐसा उनका सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन ऐसा रहा है। तो मैं अभी, क्योंकि मेरे पास बोलने वाले लोगों की बहुत एक लंबी लिस्ट है तो बहुत लोगों को तो मैं यहाँ मंच पर नहीं बुला पाऊंगा, तो कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको पुष्पांजलि के लिए बुलाऊंगा और कुछ को अपने भावों के विचार रखने के लिए मंच पर बुलाऊंगा। तो मैं श्री बुद्ध प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, वो अमेरिका से आए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने मन के विचार कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं यही कहूंगा कि आदरणीय श्रीमान ज्ञानचंद चावला, वो भी संत थे, सूटेड बूटेड, सूट में वो संत थे। जैसे उनका दर्शन करते हैं ऐसा मन करता है उनके साथ और वार्तालाप करें, उन बैठे इतनी मोहब्बत से भरे हुए, महाराज जी की कृपा से मेरे साथ उनको, मेरे पे बड़ा आशीर्वाद था, स्नेह करते थे मुझसे, बड़ा प्रेम करते थे। तो मैं उनको संत कहूँगा। और संतों को जाने के लिए कुछ, जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। तो इस ये इनको जीवन में रहते रहते भी इन्होंने सब कुछ अपना जीते जी अपने आप को मार कर रखा। दो दो चार चार घंटे इन्होंने पाठ पूजा करना, अभी एक सज्जन जी बता रहे थे पंडित जी महाराज कि कितना समाज सेवा कितना करते। और जिस वक्त हम हरिद्वार जा रहे थे 9 तारीख को परिवार से बातचीत करने का मौका मिला, तो वो बता रहे थे कितना दुनिया सब जो भी कोई कष्ट में आता था उनके दुख निवारण करते थे प्रभु कृपा से। तो एक सिहरती के रूप में मैं पढ़ूंगा कि डाल डरो ना मरन थी, ये उनके जीवन को दर्शाता है ये कि डाल डरो ना मरन थी, मूल बंदे करो जीवन दी कुछ परवाह नहीं, उते क्षमा दे वांग पतंग जल जा, मिलदा जी दे नू रब दा राह। समाज में उनके योगदान को और इस पूरे चावला परिवार के योगदान को अंबाला में नहीं पूरे समाज में कोई विस्मृत नहीं कर सकता। परम पूज्य महाराज श्री के अलावा अशोक जी, केवल जी, पवन जी, सतीश जी, राजीव जी, सभी जो बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, माता संतोष चावला जी और भाई राजेश जी और विवेक जी, जीवन का ऐसा प्रसंग, जीवन का ऐसा समय जो सबको भोगना है, देखना है। और जब राजेश और विवेक जी के लिए कहना चाहूंगा कि जब पिता का साया सर से उठता है, व्यक्ति का जीवन एकदम पलटी मार जाता है। ज्ञान चंद जी चावला इनका सूर्य की तरह जीवन था, प्रभु की चरणार्विंदों में लीन हो गए। एक लाइन कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय।
एक कृष्ण कृपा परिवार जो समय में इतिहास बनता जा रहा है, ये भी इतिहास में दर्ज रहेगा कि स्वामी ज्ञानानंद महाराज के बड़े भाई ज्ञानचंद चावला जी उच्च कोटि के कर्म योगी थे। पीछे लिखा भी हुआ है कि वो ऐसे कर्म योगी निष्काम थे तुम और मानवता का पैगाम थे। और यदि हम देखें ये संसार, ये है तो सपना। सभी आचार्यों ने, सभी महापुरुषों ने, गुरुओं ने इस बात पर जोर दिया है, गुरबाणी में भी आया, जैसे जल में बुद्धा उपजो बिन सो नीत, जग रचना तैसो रची, कहो नानक सुन। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, झूठ है, सपना है, माया है, कल्पना है, केवल दिखाई दे रहा है नहीं। और इस सपने को देखने वाला भी सपना है, मगर उन्होंने ऐसा जीवन, यदि हम मृत्यु को ले तो मृत्यु तो हर क्षण घट रही है। हमें पता है कि हमारा बचपन कब मर गया, अब बचपन भी मर गया, बचपन का नाम भी मर गया। कैसे कब मरती जा रही है जवानी, कब मरता जा रहा है बुढ़ेपा। ये ठीक है कि एकदम तत्काल को हमारे, हम सब कृष्ण कृपा परिवार से विदा हो गए। चावला जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो समाज के बीच में रहकर के सेवा करते थे। कोई भी बात हो उसको बड़े सरल तरीके से बोलकर सुलझाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे महान व्यक्ति का हमारे बीच से जाना बहुत दुखनीय है, इसलिए मैंने अनेकों बार उनसे मिलने का अवसर भी मिला और वर्षों वर्षों से 30 साल से भी ज़्यादा, 35 साल से भी ज़्यादा उनके हम संपर्क में रहे। जब भी ज्ञानानंद जी महाराज कोई प्रवचन करते थे तो कभी भी हमने उनको मंच की ओर नजर नहीं आया, और संगत में बैठकर से सबसे पिछली पंक्ति में बैठकर के प्रवचन सुनते थे। तो ऐसी महान आत्मा थी, तो ऐसी महान आत्मा का हमारे बीच में से चला जाना बहुत दुख की बात है। मेरा उनसे 30-35 साल से संबंध रहा है। कृष्ण कृपा परिवार के एक स्तंभ के नाते वो दिन रात कार्य करते थे, बहुत से समागमों में भी उनको कठिन परिश्रम करते हुए देखा है। साथ बैठने का भी बहुत बार अवसर प्राप्त हुआ है। एक कर्म योगी जो दिन रात संस्कारों से ओतप्रोत जो भी मिलता था उसी के साथ अन्यतः बात करते हुए एक धार्मिक प्रति का व्यक्तित्व हमारे बीच में से चला गया। यही कहूंगा कि जैसे धाता जैसे स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद चावला जी को जिन्होंने जन्म दिया, मैं समझता हूँ ऐसे माता पिता को सबको प्राप्त हो, परंतु एक ही व्यक्तित्व तो था पूरे अम्बाला शहर में, पूरे चावला परिवार में, जो परम पूज्य श्री स्वामी गीता मनीषी जी को अपने भ्राता ना मान करके, अपने परिवार का ना मान करके वो सदा ये मानते थे कि ये मुझे ज्ञान देने वाले पूज्य संत हैं जो मुझे जीने की कला दे रहे हैं। मेरे भाई बहनों इतना ही कहूंगा मैं, अंतिम समय में नहीं वो सबको मिल पाए, लेकिन कोई संत जाता है तो संत को जरूर मिलता है, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कहानी नहीं है, मैं वृंदावन से आया, सत्य है।
और जैसे मैं वृंदावन से आया शहर के एक हॉस्पिटल में मुझे मिले, मैं हिमाचल जा रहा था कथा करने के लिए, मेरे जैसे संत को भी वो समझाते थे क्योंकि हम उनको ज्येष्ठ भ्राता मानते थे। ये कहानी नहीं है, एक संत की बात संत से सुने। मुझे कहने लगे बहुत कथाएं मत किया करो। उसे पूछा कितनी कथाएं कर ली, मैंने कहा 261 कथा कर ली, अब जा रहा हूं, मत जाओ कथा कम किया करो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो अंतिम दिन होगा। कुछ रोज पहले की बात है, स्वामी ज्ञानानंद जी ने गीता का उपदेश अम्बाला शहर में दिया। मैं लगभग 2 घंटे बैठकर सुनता रहा, मन को बहुत शांति मिली। ज्ञानचंद चावला जी ने मुझे खासतौर पर फोन करके कहा था कि आप आइएगा, आपको अच्छा महसूस होगा। मेरे साथ बहुत अच्छे संबंध थे, जिस तरह की सेवा भाव के साथ उन्होंने समाज के लिए अपने आप को अर्पण किया, जिस तरह से पूरे शहर में आसपास के इलाके में उन्होंने समाज को ऊपर उठाने के लिए मानवता के लिए कार्य किया, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम सभी लोग उनको हमेशा याद करेंगे। वो हम लोगों को छोड़ के जरूर चले गए हैं, लेकिन उनका बताया हुआ ज्ञान और उनके जो आम जनता का साथ व्यवहार था, वो एक बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे और हर व्यक्ति से हंसमुख होकर के मिलते थे और आपस में किसी भी तरह का कोई लोगों को प्रॉब्लम ना हो वो सबकी सेवा के लिए तैयार रहते थे। ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच से जाने से हम सबको बहुत क्षति हुई है। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, हृदय जी जल्दी जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। बस कुछ शब्द ये आशा रखती हूँ कि इस दिल की बात उस दिल तक पहुँच जाए। मिलने की उम्मीद तो नहीं है आपसे, मिलने की उम्मीद तो नहीं है आपसे, पर कैसे कह दूँ कि आपका इंतज़ार नहीं है। मैं कैसे बताऊँ हमने क्या खोया है, उनसे दूर होकर दिल खून के आंसू रोया है। मैं कैसे बताऊँ हमने क्या खोया है, हम सबकी जान उनमें थी बस्ती, ऐसी थी वो महान हस्ती। हमेशा हम सबके लिए थे खड़े, श्री ज्ञानानंद महाराज के भाई थे बड़े। मैं कैसे बताऊँ हमने क्या खोया है, उनसे दूर होकर दिल बहुत रोया है। आज ये श्रद्धांजलि सभा है, मैं समझता हूँ कि इसको शोक सभा नहीं है, क्योंकि जैसे गीता में हमने सुना है पढ़ा है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। दूसरे श्लोक के 13वें अध्याय में ये कहा गया है कि आत्मा ट्रेवल करती रहती है, बचपन से युवावस्था जैसे आती है आत्मा आगे बढ़ती है, शरीर वही रहता है, फिर युवावस्था से वृद्धावस्था में शरीर आता है, आत्मा वही रहती है। वृद्धावस्था के बाद शरीर बदल जाता है, आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा अमर है, बदला है तो शरीर बदला है। इसलिए हमको इस प्रकार के आत्मा के शरीर आने के बाद किसी प्रकार का वेदना ना करके वो शरीर के प्रति श्रद्धांजलि हमारी जरूर है। जब भी मिलते थे बहुत ही सामाजिक दायित्व के बोध से परिपूर्ण होते थे, समाज के प्रति जो चेतना उनके मन में होती थी, बहुत अधिक तो नहीं मिला,
लेकिन अभी पिछले दिनों में अम्बाला में कार्यक्रम था, एक सामाजिक कार्यक्रम से भेंट हुई। थोड़े समय की भेंट में कुछ बातें मैंने बताई कि ये कार्यक्रम उनको अम्बाला में करना चाहिए। उस बातचीत के बाद अचानक ही 5-6 दिन के बाद ही समाचार का पता चला। वो अपना जीवन ही जी के गए। वैष्णो देवी से हमारे पूज्य मुख्य सेवाधिकारी आदरणीय नरेंद्र जी यहाँ हैं, संचालन में ये बात आई। 25 वर्ष तक लगातार हर महीने अपने खर्च से वैष्णो देवी सबको ले जाने का संकल्प, केवल अपने आप अपने पास से किसी से कुछ नहीं। बाद में भी जाना रहा, 12 वर्ष तक हर महीने गोवर्धन परिक्रमा, बहुत से लोग जानते हैं 21 किलोमीटर की वो परिक्रमा है, लगभग 11-12 वर्ष तक उनके छोटे भैया अशोक जी और इकट्ठे जाते रहे। 12 वर्ष तक हर महीने नियम निभा और नित्य प्रति कम से कम 4-6 घंटे के रोज की पाठ की स्थिति, रोज का नियम पक्का। ये सब बस एक ही बात है, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अगर ऐसा अचानक हो जाता है कि पूजा पाठ सत्संग भजन किस काम का, सच ये है कि काम का तो यही है, काम का तो यही है, साफ तो यही है। और तो परिवार भी यहाँ, व्यापार भी यहाँ, मकान भी यहाँ, प्रतिष्ठान भी यहाँ, सब कुछ यहाँ, लेकिन साथ तो केवल वही है जो जीवन का ये सब किया। निश्चित है कि जो कमाई वो लेकर गए हैं वो उन्हें प्रभु चरणों में ही ले जाएगी। और वैसे भी श्री धाम के भाव के साथ गए हैं और मन में वही भाव उनके घूम रहा था वहां, तो निश्चित ठाकुर के धाम में ही गए हैं। तो भी आदरणीय चरणों में यही प्रार्थना, हे नाथ कोई संस्कार विकार शेष रह भी गया हो वहां ना देखकर केवल अपनी कृपा के द्वार जीव के लिए खुले रखें। गीता पाठ का पक्का नियम हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी 2-3 श्लोक बिल्कुल ठीक श्लोक स्वयं भी नित्य नियम से गीता जेब में रखते हैं और पाठ करते हैं। उन्होंने जो संकेत किए वास्तव में उनका पक्का नियम, कोई भी दिन ऐसा नहीं गीता पाठ के बिना, और कभी कभी विशेष दिनों में पूरी गीता का पाठ, मंगलवार हर मंगलवार सुंदरकांड, हर शनिवार सुंदरकांड, तो ऐसी ढेरों स्थितियाँ। तो यहाँ जो भी पूज्य संतजन आए, बहुत संतों के संदेश आए फोन पे, उन सबके प्रति भी और मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतों के प्रति सद्भावना, ओम शांति शांति। Shanti, Shanti, Shanti.